में रहता है, ठीक है। और ब्रेन की उस कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम वर्ड कहीं पे भी अगर आ जाए तो उसको मतलब किसकी बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं ब्रेन के वेट की। जब हम ब्रेन के वेट की बात करते हैं तो ब्रेन का जो वेट है वो एक्चुअली में 1.2 to 1.4 ग्राम है। इट वेरीज विद द एज, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट होता है जिसके अंदर कुछ स्पेस भी प्रेजेंट रहता है। तो ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अच्छा, ब्रेन जो है वो बॉनी कवरिंग में प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, और उस बॉनी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, उस बॉनी कवरिंग को बोलते हैं हम क्रेनियम। तो हमें क्या करना है, यहां पे सिर्फ डिप्रेशन क्रिएट करने हैं एस की फॉर्म में, लाइक दिस। और प्लीज थोड़ा सा अच्छे तरीके से ड्रॉ करें ताकि एग्जामिनर के लिए वो चीज समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, साथ साथ ड्रॉ करें हम। ओके, तो मीनिंग्स भी ड्रॉ कर लें एंड क्रेनियम भी। लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज क्रेनियम, दिस इज द मीनिंग्स। मीनिंग्स मीन्स कवरिंग ऑफ ब्रेन। ओके, दिस इज सेरेब्रम। This is midbrain. This is ventricle. Pineal body. Cerebrum. Pituitary gland, hypothalamus, midbrain, corpora, pedunculus, and corpora quadrigemina.
मिड पेरेंट की। मिड पेरेंट एक्चुअली में क्या करता है, मेन फंक्शन होता है फोर पेरेंट को हिंड पेरेंट के साथ कनेक्ट करने का, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्पोरा पेडंसल्स और कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। अब कॉर्पोरा पेडंसल्स और कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना क्या करते हैं, कॉर्पोरा पेडंसल्स जो होते हैं, ब्रेन एक्चुअली में एक हेमिस्फीयर होता है, तो ब्रेन हेमिस्फीयर का मतलब ब्रेन जो राउंडेड दिखता है उसके बीच में, मतलब उस स्फीयर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो दो पार्ट्स को जॉइंट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्पोरा पेडंसल्स होता है, जो दो हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना की बात करें तो ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स को कनेक्ट, ब्रेन के वेंट्रिकल्स या ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो है उनमें सिग्नलिंग को ट्रांसफर करने का काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट से, और जो हमारी बॉडी का राइट पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन के मेन पार्ट जो होते हैं वो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा है। तो सेरिबेलम जो होता है वो हमारे ब्रेन का नियरली 12.5% जो होता है वो पार्ट है, 12.5% पार्ट है। तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो हमारे ब्रेन का है वो है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम मोस्टली क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी है ना, उन सारी चीजों को, उसके अलावा इसका सबसे मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बना के रखना। ऐसा थोड़ी है कि हम चलते चलते गिर जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम साइकिलिंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं तो चलाते चलाते गिर जाए। तो हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करने का काम होता है वो हमारे सेरिबेलम का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करते हैं पोन्स की, पोन्स जो होता है वो ये पार्ट है, ये पोन्स, पोन्स फैमिली जो होता है वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यानी रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारी बॉडी का। तो क्वेश्चन आता है नेम द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ बॉडी, तो पोन्स इज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ बॉडी। उसके बाद मेडुला की बात करते हैं, तो मेडुला एक्चुअली में क्या करता है, मेडुला हमारी वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे स्वर्विंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, इन सारी एक्टिविटीज को, जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जिनको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वोमिटिंग आ रही है तो वोमिटिंग को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग का पूरा फंक्शन कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा करता है। अच्छा, तो ये पार्ट हो गए हमारे ब्रेन के। अब बचता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी लोअर बॉडी के कंप्लीट सेंसेस को रिसीव करने का, उनको कंट्रोल करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, जो ब्रेन है हमारा, तो ब्रेन के बाहर हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिली, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो मीनिंग्स कहलाती है, इन मीनिंग्स के बीच में स्पेस होता है। क्वेश्चन आता है इन मीनिंग्स के बीच में स्पेस होता है, जो मीनिंग्स के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर जो फ्लूड भरा रहता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, यानी CSF। क्वेश्चन CSF के नाम से भी आ सकता है। अच्छा, सेरिब्रोस्पाइनल स्पेस जो होता है उसके अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड भरा रहता है वो मेन फंक्शन, उस फ्लूड का मेन फंक्शन क्या है, वो हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम किसी भी टाइप का कुछ भी शॉक हमारे ब्रेन के क्रेनियम के ऊपर आता है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन का सॉफ्ट और डेलिकेट पोर्शन होता है उस सॉफ्ट और डेलिकेट पोर्शन के अंदर किसी भी टाइप की इंजरी नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता किसी भी टाइप की इंजरी होती तो हो सकता है पता नहीं हमारे दिमाग पे कहां जाके लगता और हमारी याददाश्त चली जाती,
हम निगलना भूल जाते हैं, हम खाना पीना भूल जाते हैं,